डिप्रेशन एक काफ़ी कॉमन और सीरियस मेंटल इलनेस है जो हमारी फीलिंग्स, हमारी थिंकिंग और हमारे एक्शंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। ये इलनेस हमारे अंदर सैडनेस या एंगर क्रिएट करती है और जो एक्टिविटीज़ हमें पहले से काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती थी वो डिप्रेशन में अपना इंटरेस्ट खो देती हैं। दुनिया में लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा लोग डिप्रेस्ड हैं, पर इतना कॉमन होने के बाद भी डिप्रेशन, डिप्रेशन के साइंस और ट्रीटमेंट्स की अवेयरनेस काफ़ी कम है और यही एक बड़ा रीज़न है लोगों की मेंटल हेल्थ के ख़राब होने का। क्योंकि अगर कोई इंसान डिप्रेशन में जाता भी है तो उसे पहले से पता ही नहीं होता कि उसे अब करना क्या है और वो ऐसा किस लिए फील कर रहा है। क्या बस उसका मूड ख़राब है या फिर उसे फीवर या इन्फेक्शन जैसी कोई फिजिकल प्रॉब्लम है। स्टैट्स हमें बताते हैं कि इंडिया में लगभग 15 करोड़ लोगों को अपने मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के लिए थेरेपी की ज़रूरत है, पर उनमें से सिर्फ 3 करोड़ लोग ही दूसरों की मदद लेते हैं। इसका एक बड़ा रीज़न है हमारी कंट्री में साइकोलॉजिस्ट्स और साइकियाट्रिस्ट की कमी। यहाँ पर हर 2 से 6 लाख लोगों के लिए सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट है और अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज भी साइकियाट्री पर बहुत कम फोकस करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे साइकियाट्रिस्ट इंडिया से निकलकर चले जाते हैं अब्रॉड, जहां पर उन्हें यहां से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इसी वजह से डिप्रेशन की समझ बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस बीमारी को शुरू में ही पहचान पाएँ और अपने आप को इससे बाहर निकाल पाएँ। अगर हम डिप्रेशन के सिम्टम्स की बात करें तो इसमें हमारी फीलिंग्स, बिहेवियर और थॉट्स में कई चेंजेस आते हैं, जैसे सैडनेस, एंगर, गिल्ट, होपलेसनेस, सोशल विड्रॉल, लैक ऑफ एनर्जी, लो मोटिवेशन, पुअर कंसंट्रेशन, स्लीप प्रॉब्लम्स, चेंजेस इन एपेटाइट, पुअर सेल्फ इस्टीम, थॉट्स ऑफ सुसाइड और लॉस ऑफ इंटरेस्ट। इनमें से अगर 5 या 5 से ज़्यादा सिम्टम्स हमारे अंदर 2 हफ्ते से ज़्यादा रहते हैं और उसकी वजह से हमें कोई भी काम करने में मुश्किल होती है तो उसे बोलते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। और जब भी हम डिप्रेशन के बारे में सोचते हैं तो हम ज़्यादातर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी क्लिनिकल डिप्रेशन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। हाउएवर, अगर ये सिम्टम्स 2 साल के बाद भी नहीं जाते तो उसे बोलते हैं परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। और डिप्रेशन स्पेसिफिक सिचुएशंस या हमारी लाइफ में बड़े चेंजेस की वजह से भी आ सकता है, जैसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो कि फीमेल्स में चाइल्ड बर्थ के बाद आ सकता है। इसके साथ ही सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर डिप्रेशन का वो टाइप होता है जो सनलाइट की कमी से होता है और तभी इसके ज़्यादातर केसेस सर्दियों में आते हैं जब लोग अपने घर के बाहर नहीं निकलते। सब्सटेंस या मेडिकेशन इंड्यूस्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर उन लोगों में देखने को मिलता है जो कोई दवाई ले रहे होते हैं या फिर अल्कोहल या स्टेरॉइड जैसी ड्रग्स को अब्यूज़ कर रहे होते हैं। लास्टली, डिप्रेशन किसी और मेडिकल कंडीशन का भी रिजल्ट हो सकता है, जैसे कई लोगों को आर्थराइटिस, डायबिटीज़, HIV या इन्फेक्शन जैसी चीज़ें होती हैं और वो भी अपनी मेडिकल कंडीशन की वजह से डिप्रेशन का शिकार बन सकते हैं। हाउएवर, जस्ट बिकॉज डिप्रेशन ऐसा लगता है कि कोई बस थोड़ा सा उदास है और उसका कोई सीधा रीज़न भी नहीं होता, कई लोगों के लिए ये समझना मुश्किल होता है कि डिप्रेशन असल में लोगों को कितना कमज़ोर बना सकता है। और तभी कई लोग बोलते हैं कि अगर डिप्रेस लोग चाहें तो वो थोड़ी कोशिश करके अपने आप को इस साइकिल से बाहर निकाल सकते हैं और हर कोई अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। तो तुम भी ये ठान सकते हो कि तुम्हें डिप्रेस्ड फील नहीं करना है। पर जो कभी डिप्रेशन से गुजरा है वो बता सकता है कि डिप्रेशन ऐसे काम नहीं करता, और अगर ऐसा ही होता तो कोई भी कभी डिप्रेस होता ही क्यों, क्योंकि हर इंसान ही अच्छा फील करना चाहता है। साइंस अभी भी ढूंढने में लगी है कि डिप्रेशन किस वजह से होता है और इसका हमारे दिमाग पर क्या असर होता है, क्योंकि डिप्रेशन मल्टी डायमेंशनल है, यानी इसको लाने वाले कॉजेज और सिम्टम्स एक से ज़्यादा हैं। ऐसा एक कॉज है हमारे जीन्स, यानी अगर हमारे पेरेंट्स या भाई बहन काफ़ी ईजिली डिप्रेस हो जाते हैं तो चांसेस हैं कि हमारे अंदर भी वो क्वालिटी होगी। और सिमिलरली एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे अब्यूस, निगलेक्ट, फैमिली में किसी की डेथ या फिर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी एक इंसान के अंदर डिप्रेशन क्रिएट कर सकती है। पिछले कुछ सालों तक साइंटिस्ट काफ़ी श्योर थे कि डिप्रेशन हमारे दिमाग में मौजूद केमिकल्स के इम्बैलेंस से होता है। इसे बोला जाता है द मोनोअमीन हाइपोथेसिस ऑफ डिप्रेशन। ये थ्योरी बोलती है कि डिप्रेशन सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी की वजह से होता है, क्योंकि ये दोनों केमिकल्स रिवॉर्ड और प्लेजर से रिलेटेड हैं। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कई फाइंडिंग्स हैं, जैसे एक जीन जो सेरोटोनिन रिसेप्टर 5HTT के लिए जेनेटिक कोडिंग करता है, उसमें ज़रा सा भी वेरिएशन यानी बदलाव आ जाए तो लोगों में स्ट्रेस से होने वाले डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बजाय उनके जिनके इस जीन में कोई बदलाव नहीं हुआ होता। ये इसलिए
क्योंकि इस वेरिएशन की वजह से हमारे दिमाग में सेरोटोनिन रिसेप्टर्स का बनना काफ़ी कम हो जाता है, जिससे सेरोटोनिन अपना काम नहीं कर पाता। इसके साथ ही कई ब्रेन एक्सपेरिमेंट्स ये भी बताते हैं कि डिप्रेस्ड लोगों के दिमाग में डोपामीन रिस्पॉन्स भी बदल जाता है, और तभी ऐसे लोगों के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स जैसे सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स यानी SSRIs बेस्ट ऑप्शन होते हैं। SSRIs साइनेप्स पर ही सेरोटोनिन के रिलीज को बदल देते हैं, जिससे ब्रेन के हर पार्ट में सेरोटोनिन ऑप्टिमल लेवल्स पर आ जाता है। हाउएवर, अब साइंटिस्ट नई रिसर्च के थ्रू बता रहे हैं कि डिप्रेशन सिर्फ एक सिंपल केमिकल इम्बेलेंस का रिजल्ट नहीं है। कई ब्रेन इमेजिंग स्टडीज में पता लगा है कि जिन लोगों को डिप्रेशन होता है उनके ब्रेन के कई पार्ट्स जैसे सिंगुलेट कॉर्टेक्स, हिपोकैम्पस और अमिग्डाला में ग्रे मैटर काफ़ी कम होता है। ग्रे मैटर नर्व सेल्स, डेंड्राइट्स, साइनेप्सिस, कैपिलरीज और ग्लाइल सेल्स से मिलकर बना होता है। ये वही जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा न्यूरोनल सिग्नलिंग होती है, और तभी ग्रे मैटर की वॉल्यूम में चेंजेस होने पर एक इंसान काफ़ी डल, एब्सेंट माइंडेड और डिप्रेस्ड फील कर सकता है। यानी डिप्रेशन हमारे दिमाग के उन पार्ट्स को काफ़ी छोटा कर देता है जो हमारे इमोशंस और डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स अपनी केयर नहीं कर पाते और इस कॉन्स्टेंट सैडनेस से बाहर नहीं निकल पाते। इसके साथ ही कई साइंटिस्ट के हिसाब से डिप्रेशन न्यूरोप्लास्टिसिटी या फिर न्यूरोजेनेसिस के कम होने का नतीजा भी हो सकता है, यानी जिस प्रोसेस के थ्रू हमारे न्यूरॉन्स नई इन्फॉर्मेशन लेते टाइम अपने आप को बदलते हैं और जिस प्रोसेस में नए ब्रेन सेल्स बनते हैं। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि क्रॉनिक स्ट्रेस न्यूरोप्लास्टिसिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, और ऐसे इम्पैक्ट्स हमें डिप्रेशन के पेशेंट्स में भी देखने को मिलते हैं। फॉर्चुनेटली एंटी डिप्रेसेंट्स नए ब्रेन सेल्स बनने की स्पीड को दोबारा से बढ़ा सकते हैं, और जो पेशेंट्स एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं उनमें न्यूरोजेनेसिस बढ़ाने वाला केमिकल BDNF यानी ब्रेन डराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर भी ज़्यादा होता है। लास्टली एक और पोटेंशियल कॉज लिंक्ड है हमारे इम्यून सिस्टम से। एक रिसर्च में पता लगा कि जिन लोगों को डिप्रेशन होता है उनकी बॉडीज़ में साइटोकाइंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये काफ़ी छोटे प्रोटीन्स की कैटेगरी है जो हमारा इम्यून सिस्टम रिलीज़ करता है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। साइटोकाइंस जनरली सिकनेस बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं, यानी जब हम बीमार होते हैं तब हमें भूख कम लगती है, हम किसी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते और हमें हमेशा नींद आती रहती है, और तभी सिकनेस बिहेवियर और डिप्रेशन के सिम्टम्स काफ़ी सिमिलर हैं। सो ये थ्योरी बोलती है कि स्ट्रेस या बुरी डाइट की वजह से बनने वाले साइटोकाइंस हमारी न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नलिंग को इंटरप्ट कर सकते हैं, जिससे हम डिप्रेस फील करने लगते हैं, और तभी कई डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि वो एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन जैसे IBUPROFEN भी लें। सो ये थी कई थ्योरीज जो एक्सप्लेन कर सकती हैं कि डिप्रेशन के टाइम हमारे दिमाग में क्या हो रहा होता है। इसके अलावा हम किसी भी इंसान की लाइफ के बारे में जानकर ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या वो कभी डिप्रेशन में जा सकता है या नहीं। हम कई चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे क्या वो ज़्यादा न्यूरोटिक है, क्योंकि जो लोग इमोशनली स्टेबल होते हैं वो लाइफ की मुश्किलों में अपने आप को संभाल लेते हैं, पर जो लोग न्यूरोटिक या अनस्टेबल होते हैं वो प्रॉब्लम्स के साथ कोप नहीं कर पाते और उन्हें अवॉइड करते रहते हैं। सेकेंडली, वो खुद को और दूसरों को कैसे देखते हैं, क्योंकि जिन लोगों की सेल्फ एस्टीम लो होती है उनमें नेगेटिव इमोशंस काफ़ी ईजली आ जाते हैं और वो दूसरों को थ्रेट की तरह देखते हैं। थर्डली, क्या उनका खाना उनकी बॉडी की नीड्स को पूरा कर पाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि अगर हम अपनी फिजीक चेंज करने के लिए डाइटिंग नहीं कर रहे तब भी हमें कई चीज़ों को खाना चाहिए और कईयों को नहीं। फोर्थली, हमें अपने आप से ये भी पूछना चाहिए कि क्या हमारा कोई गोल या ड्रीम है, क्योंकि न्यूरोसाइंस के हिसाब से हम पॉजिटिव इमोशंस सिर्फ तभी फील करते हैं जब हमें लगता है कि हमारा एक गोल है और हम धीरे धीरे उसके पास पहुँचते जा रहे हैं। इसे बोलते हैं डोपामीन एंटिसिपेटरी रिस्पॉन्स। फिफ्थली, क्या हमारे पास कोई रूटीन या स्केड्यूल है जो हमारे गोल को सपोर्ट कर सके। सेम टाइम पर सोना और अपनी सर्केडियन रिदम्स को ठीक रखना डिप्रेशन को दूर रखने में काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। क्या हमारे पास सोशलाइज करने के लिए फ्रेंड्स और फैमिली हैं। क्या हम फाइनेंशियली स्टेबल हैं, क्योंकि सेरोटोनिन डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे परसीव्ड स्टेटस से। यानी अगर हमें लगता है कि हम फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा कर रहे हैं तो हमारा ब्रेन हमें रिवॉर्ड करेगा सेरोटोनिन के साथ। और लास्टली, क्या हम अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। अगर हम गूगल ट्रेंड्स पर देखें कि लोग डिप्रेशन को किस टाइम पर सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं तो डिप्रेशन की सर्च रात के 1 बजे से लेकर 3 बजे के अराउंड पीक करती है, और ये साइन हो सकता है इंसोम्निया, लोनलीनेस और उनसे रिलेटेड एंजाइटी का,
क्योंकि वो सेरोटोनिन ही होता है जो हमारी पाइनियल ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाता है मेलेटोनिन में, जो कि स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है। और तभी जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं वो या तो कभी ढंग से सो ही नहीं पाते या फिर वो सोने के बाद भी रेस्टेड नहीं फील करते। जिस तरह से डिप्रेशन के कॉजेज बहुत सारे हैं, वैसे ही फॉर्चुनेटली इसके ट्रीटमेंट्स भी बहुत सारे हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एंटी डिप्रेसेंट्स काम करते हैं, और तभी अगर हमारे क्लिनिशियन ने हमें मेडिकेशन लेने के लिए एडवाइस करा है तो बेटर ऑप्शन यही है कि हम पहले एंटी डिप्रेसेंट्स को 4 to 6 weeks तक लेकर देखें, और फिर भी अगर कुछ नहीं होता तब हम बाकी ट्रीटमेंट्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। सेकेंड ट्रीटमेंट है थेरेपी, जिनमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी और माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी काफ़ी कॉमन टाइप्स हैं, जो कि काफ़ी इफेक्टिव भी हैं। थर्ड ट्रीटमेंट है हमारी डाइट, क्योंकि डाइट से होने वाली इन्फ्लेमेशन को मेडिकली टेस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, और तभी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम ज़्यादा टाइम तक डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं तो हम अपनी डाइट को इम्प्रूव करें। फोर्थ ट्रीटमेंट रिसेंटली काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि वो है साइकेडेलिक्स, स्पेशली सिलोसाइबिन और LSD, क्योंकि इन दोनों कंपाउंड्स पर काफ़ी रिसर्च हुई है और जितने भी डिप्रेस लोगों को ये सब्सटेंसेस दिए गए हैं उन सब के सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट देखी गई है, और ये चेंजेस परमानेंट भी थे। सो ये थी हमारी डिप्रेशन पर डिस्कशन, और अगर आप भी डिप्रेस्ड हो या फिर किसी और इंसान को जानते हो जो कि डिप्रेस्ड है, तो ये समझ लो कि जितनी जल्दी हम डिप्रेशन को ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं उतनी ही आसानी से हम उससे बाहर आ सकते हैं। रिमेंबर, हेल्थ, हैप्पीनेस और मीनिंग, ये हमारी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, और तभी इन्हें प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, और जितना हम इस मैसेज को फैलाएंगे उतना ही हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे।